Hey guys, welcome back to my YouTube channel Y&8 Lifestyle। दोस्तों, गुड़ और भुने हुए चने का कॉम्बिनेशन एक इंडियन नाश्ता है, जिसे हम इसे अधिकतर लोग खाना पसंद करते हैं। अगर आप भी इस सुपर फूड कॉम्बिनेशन को भूल गए हैं, तो अब इसे अपनी डाइट में वापस लाने का समय आ चुका है। गुड़ और भुने हुए चने मिलकर एक स्वादिष्ट नाश्ता बनते हैं, जो आपके हेल्थ के साथ साथ आपकी स्किन के लिए भी बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कैसे ये कॉम्बिनेशन हमारी सेहत और स्किन के लिए फायदेमंद हो जाता है। नंबर एक, एंटी एजिंग और स्किन टोन में सुधार। दोस्तों, गुड़ में एंटी एजिंग गुण होते हैं और ये ग्लाइकोलिक एसिड का एक नेचुरल सोर्स है, जो स्किन के लिए कई फायदेमंद माना गया है, जिससे फाइन लाइंस और उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करने के साथ साथ अनइवन स्किन टोन को भी ठीक करना बेहद इजी हो जाता है। नंबर दो, झुर्रियों और फाइन लाइंस को कम करता है। दोस्तों, जब चने के साथ गुड़ का सेवन किया जाता है, तो चने में पाए जाने वाले मैग्नीशियम हेल्दी ग्लोइंग स्किन, झुर्रियों और फाइन लाइंस को कम करने में हमारी हेल्प करता है। नंबर तीन, संक्रमण से बचाता है। दोस्तों, गुड़ चना जिंक और मैग्नीशियम से भरपूर होता है, जो फ्री रेडिकल्स डैमेज को रोकने में हमारी हेल्प करता है और बैक्टीरिया के खिलाफ इम्यूनिटी को भी बढ़ावा देता है। नंबर चार, मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। दोस्तों, गुड़ और चने का कॉम्बिनेशन आपकी मसल्स को मजबूत बनाने का काम करता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। गुड़ पोटेशियम का एक अच्छा सोर्स है, जो आपकी मसल्स को बिल्ड करने में हमारी हेल्प करता है। नंबर पाँच, दांतों की सड़न को रोकता है। दोस्तों, गुड़ चने का नियमित सेवन करने से दांतों की सड़न को रोकने में हमें हेल्प होती है, क्योंकि इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। इसका सेवन करने से दांतों में काफी हद तक आराम मिल जाता है। नंबर छह, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए हेल्दी। दोस्तों, फॉलेट और B6 से भरपूर होने के कारण ये गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद फायदेमंद नाश्ता है। नंबर सात, घर पर गुड़ चना स्नैक्स कैसे बनाएं? दोस्तों, एक कप गुड़ को काटकर पैन में डाल दीजिए। पैन को आंच पर रखें और तब तक चलाते रहें जब तक कि वह पूरी तरह से पिघल ना जाए। पैन में 1.5 कप चना कुरकुरे छिलके सहित डाल दें, यानी कि बिना छिलके वाले आप ना डालें, छिलके सहित आप उसमें डाल दें और अच्छी तरह से मिला लें। आप इसमें 1/2 कप काले और सफेद तिल भी मिला सकते हैं। अच्छी तरह मिलाएं, गुड़ चने के मिश्रण पर पूरी तरह से लग जाए। गुड़ चने को ठंडा होने दीजिए और फिर पूरी तरह सूखने दीजिए। अब एक एयरटाइट कंटेनर में इसे रख दें और आनंद लें। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।